हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड गुड एंड एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ, बहुत अच्छे वे में आपकी चल रही होगी। तो हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक और जॉब की अपडेट को लेके, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। नाविक GD एंड यांत्रिक की वैकेंसी 2024 के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, टोटल पोस्ट की बात करें 320 यानी 320 टोटल आपका सीट रहेगा। नाविक GD के लिए आपका 207 पोस्ट है और यांत्रिक के लिए आपका 60, मतलब ओवरऑल 320 है, नाविक का 260, यांत्रिक का 60। लेकिन फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाविक GD के 260 पोस्ट की डिटेल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आपको मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। चलिए अभी हम लोग समझ लेते हैं कि 320 सीट्स को कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। जनरल कैंडिडेट के लिए 102 पोस्ट है, OBC के लिए 25, EWS के लिए 82, SC के लिए 10 और ST के लिए 41 यानी 41 सीट रहेगा। दोनों ही पोस्ट का जो अप्लाई डेट है 13 जून से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट आपका 3 जुलाई है। तो 3 जुलाई तक इंतज़ार नहीं करना है, जल्द से जल्द फॉर्म को अप्लाई कर देना है। फॉर्म फी की बात करें तो जनरल OBC EWS से 300 रुपया लिया जाता है, वहीं पर SC ST कैंडिडेट से कोई फी नहीं लिया जाता है। फॉर्म आपका ऑनलाइन होता है, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहाँ से जाके अप्लाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए जो एज लिमिट होती है ना, 18 वर्ष से 22 वर्ष यानी 18 to 22 ईयर्स, बॉर्न बिटवीन 1 मार्च 2003 मतलब 1 मार्च 2003 से लेके 28 फरवरी 2007 यानी कि 22 फरवरी 2007 के बीच में जिनका भी बर्थ हुआ है, सभी बच्चे एलिजिबल रहेंगे। रिलैक्सेशन भी मिलता है अपर एज लिमिट में, OBC को 3 इयर्स का एंड SC ST को मिल जाएगा 5 इयर्स का। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, तो फ्रेंड्स देखिए, क्वालिफिकेशन आपका नाविक GD की पोस्ट के लिए 10+2 यानी कि जो 12वीं पास बच्चे हैं वो सभी अप्लाई करेंगे, लेकिन 10+2 में आपका मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम वाले बच्चे ही अप्लाई करेंगे। रही बात यांत्रिक की पोस्ट के लिए, तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, 10वीं पास होने के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, तो अगर उससे रिलेटेड आप जाते हो चाहते हो डिटेल में वीडियो देखना तो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो उसकी एक फुल डिटेल वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं नाविक GD की पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। 4 स्टेज से गुजरने के बाद आपका सिलेक्शन होगा। पहला स्टेज सेक्शन 1 एग्ज़ाम, सेकेंड आपका सेक्शन 2 एग्ज़ाम, ये सब एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। उसके बाद फिजिकल और DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लास्टली आपका मेडिकल होगा, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। इसके लिए ऑल इंडिया के जो भी कैंडिडेट है सभी एलिजिबल रहने वाले, सब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि सेक्शन 1 और 2 का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है। फ्रेंड्स देखिए, सेक्शन 1 जो होता है 10वीं लेवल का एग्ज़ाम होता है, 60 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मार्क्स के लिए पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलेगा और समय आपका 45 मिनट का रहेगा। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश से 10 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन, उसके बाद रीजनिंग से भी 10 क्वेश्चन, लास्टली आपके GK के 5 क्वेश्चंस होंगे। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो इसमें होता है जनरल OBC EWS का 30, SC ST का 27। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका नहीं है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे सेक्शन 2। आपको क्वालिफाइंग है, सेक्शन 1 पास करना ही है। सेक्शन 2 के पेपर में आपका 50 क्वेश्चंस होता है 50 नंबर के लिए, मतलब कि पर क्वेश्चन मिलता है 1 मार्क। समय रहता है 30 मिनट यानी कि आधे घंटे का एग्ज़ाम होता है। ये 12th लेवल का होता है, इसमें आपको मैथ और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे।
इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स आपका जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 20 रहेगा, एससी एसटी का 17 रहेगा, और जो आपका मेरिट बनता है ना सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 दोनों का मार्क्स कंबाइन करने के बाद ही मेरिट बनता है, तो दोनों में अच्छा स्कोर करना होता है। उसके बाद आपका सिंपल सा एक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। सबसे पहले रनिंग होती है 1600 मीटर की, 7 मिनट में कंप्लीट करना होता है। स्क्वाट अप्स यानी उठक बैठक 20 लगाने होते हैं और पुशअप 10 लगाना होता है। तो जब आप फिजिकल क्राइटेरिया पास कर जाते हैं तो आपका डीवी एंड मेडिकल हो जाता है, फिर मेरिट लिस्ट में नाम आता है। उसके बाद आपको ऑन जॉब ट्रेनिंग के लिए आईएनएस चिल्का उड़ीसा में बुला लिया जाता है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान भी आपको सैलरी दी जाती है, तो है ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। सैलरी क्या मिलती है, एट स्टार्टिंग यू विल गेट 21,700 रुपीज, आफ्टर पर्क्स अलाउंसेस आपकी सैलरी हो जाती है 47,600, यानी कि 47,600 50,000 के तकरीबन सैलरी हो जाती है। अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी हो, और अगर कहीं पे अभी भी आपको कुछ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो कमेंट करिए, क्वेरी सॉल्व कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाइए ताकि सारी न्यू जॉब अपडेट की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।